हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूँ आजमगढ़, जो कि हमारे यहाँ का सदर हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय। तो वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे कि सदर कैसा है और कहाँ पे है। तो ये हमारे शाहिद भाई हैं, इन्हीं की दवा लेने जाना है वहाँ पे, जो कि हमारे साथ जाने वाले हैं, यही ड्राइव करने वाले हैं। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाते हैं कि सदर कैसा है और अंदर का उसका माहौल कैसा है और हमारे घर से कितना दूर है, ये सब दिखाएंगे। ये सब देख, जैसे कैमरा ओपन किया, सब गांव के कुछ बच्चे हैं आके देख रहे हैं कि कैसे वीडियो शूट होती है, कैसे क्या होती है। तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे, चल के फिर आपसे बात होती है। तो हम निकल चुके हैं जयगांव से आगे, तो रास्ते में हमारा पड़ता है श्री सहजानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पे बहुत सी तरह का डिप्लोमा होता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसका पूरा नाम है श्री सहजानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस कॉलेज है, श्री सहजानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। तो चलते हैं फिर आगे। तो मैं आगे जा रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको अपने यहाँ का पूर्वांचल एक्सप्रेस दिखा दूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था आपको। तो मैं सोचा कि इस बार भी दिखा दूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ का पूर्वांचल एक्सप्रेस, जो कि हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि सियरहा से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। ये देखो हमारे यहाँ का है पूर्वांचल एक्सप्रेस, बहुत ही शानदार है ये डायरेक्ट लखनऊ जाता है यहाँ से। हमारे यहाँ से लखनऊ जाने में बहुत ही कम समय लगता है, जो कि अगर आप पहले जाते थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था जाने में। ये देखिए बहुत ही शानदार है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए फिर चलते हैं आगे और आगे कुछ और दिखाते हैं। बस हम लोग अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और हम लोग गर्मी में निकले थे, तो अब प्यास लग चुकी थी, तो शायद बोल रहे थे चलो पहले जूस पी लिया जाए आम का। तो चलते हैं पहले जूस पी लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलिए फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जूस पीने, तो जूस पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। हम लोग अब जूस वूस पी चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं सदर की तरफ। तो शायद भाई फिर बाइक चलाएंगे, अब चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, फिर वहाँ चल के आपसे कुछ बात होती है। अभी हम लोग आ चुके हैं जुनेदगंज, जो जुनेदगंज आने के बाद हम लोग लेफ्ट लेंगे सदर की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं हाफिजपुर, जो कि है बलरामपुर का चौराहा, वहाँ से हम लोग लेंगे राइट की तरफ, जो कि जाता है हमारे सदर हॉस्पिटल की तरफ। तो चलते हैं वहाँ पे राइट लेके, फिर आपको
सदर का कुछ व्यू दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए तब तक। ये देखिए हम लोग आ चुके हैं सदर के करीब, जो कि हमें आगे से राइट लेना है। तो राइट से लेंगे तो हमारा जो मेन गेट है सदर हॉस्पिटल का, ये रहा मेन गेट, जो कि आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़। तो हम लोग आ चुके हैं सदर हॉस्पिटल के अंदर। अब जाके आगे से राइट लेंगे, फिर वहाँ पर बाइक पार्क करके फिर आपसे कुछ बात होती है। तो हम लोग आ चुके हैं पार्किंग यार्ड में, जो कि हमारे शायद भाई जा रहे हैं बाइक पार्किंग करने। तो मैंने सोचा कि बाइक पार्क कर देते हैं, नहीं तो अगर कहीं किसी और साइड में खड़ी करेंगे तो बाइक में सब कोई फ्यूल निकाल लेता है, कोई प्लग व्लग सब ख़राब कर देते हैं। तो हमारी देखो ये हो गई हमारी बाइक पार्क, फिर चलते हैं आगे, फिर आपको सदर का कुछ व्यू दिखाते हैं। ये देखो बाइक पार्क करके जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो ये देखो सदर का पीछे का हिस्सा है, और ये देखिए आगे का हिस्सा है, ये है हमारा सदर हॉस्पिटल। तो चलते हैं आगे जाके यहाँ से पर्ची कटाएंगे। मुझे लग रहा है सदर लगता है आज बंद है क्या। तो देखो दो भाई लोग पर्ची लेने गए थे, वो बता रहे थे कि नहीं हॉस्पिटल तो बंद है। तो चलिए चलते हैं, मैं साहिद भाई को दिखा दूँ। साहिद भाई को पता नहीं था कि दवा कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, क्योंकि उनको थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो मैं लेके जा रहा हूँ उनको दिखा दूँ कि कौन से डॉक्टर से उनको दवा लेनी है, क्योंकि हो सकता है मैं किसी दिन ना रहूँ घर पर तो ये अकेले आए, तो इनको पता रहना चाहिए कि कहाँ से दवा लेनी है, नहीं तो कब तक किसी का वेट करते रहेंगे। ये देखो हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हमारा जो सामने देख रहे हैं जो दरवाज़ा खुला है उसी के आगे हमें दवा लेनी है डॉक्टर पूनम कुमारी से, जो कि दाँत खाद खुजली सब का एक्सपर्ट हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। तो सारा सदर बंद दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं, बंद है तो फिर देखते हैं शायद है क्या रिएक्शन है। तो गाइस हम लोग आए थे दवा लेने, जो कि हमारी दवा मिली नहीं, आप देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है कि 10 बजे से लेकर 4 दवा मिलती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आए थे 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो गया है। शायद भाई तो पूरा एकदम उदास हो गए कि मेरी दवा अब कैसे मिलेगी। दवा तो मिली नहीं, तो चलिए चलते हैं आपको कुछ और दिखा देते हैं बाहर से कैसा सदर दिखता है। ये देखो ये है इमरजेंसी यार्ड, जहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कोई इमरजेंसी केस यहीं पे देखते हैं। तो शायद भाई बोल रहे हैं कि तो कोई फ़ायदा नहीं आके, चलिए मुझे कपड़ा वपड़ा भी लेना है, तो चलिए कपड़ा ले लेते हैं पहले। ये देखिए मेडिकल हॉल है, जो कि यहाँ पर पैसा दे के दवा लेनी पड़ती है, जो अगर बाहर से दवा लिखेंगे तो। तो चलिए बाइक लेते हैं फिर निकलते हैं। देखिए साहिद भाई को कहाँ से कपड़ा लेना है, दुकान है ना उनकी, तो उनको कपड़ा वपड़ा लेना है, उसके बाद चलते हैं साहिद भाई को कपड़ा दिला के फिर घर निकलते हैं। दवा तो वहाँ पे मिली नहीं, फिर साहिद भाई बोले थे चलो दुकान के लिए कुछ सामान लेना है, तो हम लोग इधर आ गए, इधर देखो शॉप के अंदर, इधर कुछ कपड़ा वपड़ा लेना है उनको, कपड़ा वपड़ा लेके निकलते हैं यहाँ से। साहिद भाई ने भी अपना सब कपड़ा वपड़ा ले लिया है, जो कि सामने देख सकते हैं बंडल दिख रहा है। अब बिलिंग विलिंग हो रही है, बताएंगे कितना पैसा हुआ है, तो पैसा पे करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। तो अभी तो बिलिंग हो रही है, सब देख रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं कितना पैसा क्या हुआ है, जो कि साहिद भाई का इधर रुई वुई का काम चलता है ना, तो कपड़ा लेने आए थे जैसे रजाई गद्दा बनाते हैं। तो बिलिंग विलिंग हो चुकी है, अब साहिद भाई पैसा दे देंगे उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, शायद भाई जो सामान लेने आए थे इधर कपड़ा वपड़ा, तो कपड़ा वपड़ा देखो ले चुके हैं सब, कपड़ा वपड़ा पैक हो गया, अब निकलना है सिर्फ घर। आज तो एक काम नहीं हुआ लेकिन दूसरा काम तो हो गया, कपड़ा ले लिए, दवा तो मिली नहीं आज। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अब निकलते हैं घर की तरफ,
तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।